आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा नया टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान होती है इस वाक्य के अंत में या, यी, ये, ए, ई। इसके अलावा ताता, तीती, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अब हम देखेंगे सिंपल में इसका स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है वह बाजार गई। तो बाजार गई, तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वह बाजार गई, शी वेंट टू मार्केट। यहां पर गो मींस जाना, इसका सेकंड फॉर्म हमने वेंट यूज किया। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तुम मुझ पर हंसे, यू लाफ्ड एट मी। यहां पर एट का मतलब पर होता है और लाफ का सेकंड फॉर्म लाफ्ड हो गया। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, राम ने रावण को मार दिया, राम किल्ड रावण। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जाम्पल, वह बाजार नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। यहां आपको याद रखना है कि डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए आप हमने फर्स्ट का यूज किया, ये फर्स्ट फॉर्म आया। राम ने रावण को नहीं मारा, ये अगला एग्जाम्पल, तो राम डिड नॉट किल रावण। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, क्या तुमने उसे हिंदी पढ़ाया, तो डिड यू टीच हिम हिंदी। अगला हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, और हमारा नया एग्जाम्पल है, क्या वह एक मैनेजर बन गई, डिड शी बिकम अ मैनेजर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आइए अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, वह एक मैनेजर कैसे बन गई, हाउ डिड शी बिकम अ मैनेजर, वह एक मैनेजर कैसे बन गई। दूसरा एग्जाम्पल, तुमने यह पत्र क्यों लिखा, क्यों मतलब why did you write this letter, तुमने यह पत्र क्यों लिखा। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सेंटेंस बताना चाहूंगा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे I never told a lie। और दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें किसने बुलाया, Who called you। इन दोनों एग्जाम्पल में never के साथ did का प्रयोग नहीं करते और who के साथ भी did का प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स। देखेंगे क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली वर्ड्स, वो क्या क्या होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। वॉट क्या, वाई क्यों, वेन कब, वेर कहाँ, हाउ कैसे, हुम किसे किससे, विच कौन सा कौन सी, हाउ मच कितना, ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, हु कौन किसने, हाउ मैनी कितने, ये काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, हाउ लॉन्ग कितनी देर, Whose, किसका किसकी, How often, कितनी बार, What like, कैसा कैसी कैसे, इस तरह से यूज कर सकते हैं, What for, क्यों किस लिए, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।